और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। सर स्वागत है आपका, और साथ ही हमारे साथ पूर्व राजनयिक मोहम्मद अमीन भी जुड़े हुए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमीन सर पहले मैं आपके पास ही आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशी दौरे पर जाते हैं और जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। अमेरिका में जो ये ऐतिहासिक दौरा रहा है और प्रधानमंत्री ने जब बोला तो जिस तरीके का सम्मान उन्हें वहां मिला है उसे साफ साफ पता चलता है कि भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय कद है वो किस कदर अब आसमान छूता हुआ नजर आता है। देखिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा अपने प्रधानमंत्री को, देशवासियों को, जो 140 करोड़ की जनता का सम्मान उन्हें वहां जाकर अमेरिका में बढ़ाया है। मोदी जी का अपना बोलना मैं तो ये कहूंगा कि जो कल उनकी यात्रा थी ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। जिस तरीके से रात में चूंकि भी था और मैं देख रहा था किस तरीके से उनको सम्मान दिया जाए, जगह जगह पर उनको रोका गया, यहाँ तक कि वहाँ के स्पीकर सेनेट के और संसद के स्पीकर उन्होंने रोक कर उनसे ऑटोग्राफ लिए और लोग तो नहीं रहे थे सारे संसद में। जब वो निकले वापस तो हर संसद चाह रहा था, वहां का सेनेट और जो मेंबर पार्लियामेंट थे वहां के अपर हाउस और लोअर हाउस के दोनों ही घेर के चाह रहे थे कि मैं उनके ऑटोग्राफ ले लूं। ये तो स्थिति थी उनकी पॉपुलरिटी की। और जो अपने प्रोग्राम के लिए वो लेट हुए रात में डिनर जाने से पहले, और उसके पहले पिन ड्रॉप साइलेंस चल रहा था हाउस के अंदर, जिस तरह की उन्होंने स्पीच दी स्पीकर स्पीकर सर करके, आप ही समझिए उन्होंने देश की पूरी स्थिति को दर्शाया अपने देश की। हम किस तरीके से 2014 में हम आए थे, उसके बाद हमने 16 में यहाँ पर एड्रेस किया था और ये दोबारा सम्मान मिला है एड्रेस करने का, तो अपने देश की स्थिति को रखा और अमेरिका की स्थिति को भी उन्होंने सराहा और अपने देश की जो डिप्लोमेटिक नीति है और नीति के तहत उन्होंने भी एक दूसरे को सम्मान देने की कोशिश की और इस बात को पूरा मैसेज दिया। यूक्रेन देश की लड़ाई है उसको भी उन्होंने बीच में लेके आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, हर आयाम को उन्होंने छुआ। जो उन्होंने संबोधन किया उसमें तमाम बड़े मुद्दों का जिक्र किया। पीके श्रीवास्तव सर मैं आपके पास आऊंगी। देखिए जब उन्होंने 58 मिनट संसद के अंदर बोला तो उसमें 15 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया, 79 बार तालियों की गूंज सुनाई दी गई। जो तमाम सांसद थे वो लाइन लगा करके सेल्फी लेने के लिए ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े नजर आए। ये जो तस्वीर है वाकई चीन और पाकिस्तान को ये दिखाने के लिए काफी है कि जरा देखिए कि भारत और यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है वो किस लेवल का है। श्वेता बिल्कुल सही कह रही है, जो उन्होंने जो सम्मान उनको मिला है वो एक बात और बताता है कि ये सम्मान जो है भारत वंशियों का भी है जो अमेरिका में रहते हैं, ये सम्मान पूरे भारत का भी है जो यहाँ पर उनकी शक्ति बन के भारत उभर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं इसमें एक चीज देखता हूँ इस पूरी जो विजिट में, वो यहाँ भारत की संस्कृति को वहां लेके पहुंच गए हैं जिसका अभी तक कोई ऐसा चित्रण पहले यात्राओं में नहीं हुआ था, चाहे हमारे यहाँ के जो बाकी प्रधानमंत्री गए थे। आप देखेंगे वहां के भारतीय भी भारतीय वेशभूषा में भारतीय नृत्य के साथ और सब कुछ प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय खाना भी परोसा गया। तो अगर इन बातों को आप देखें, संस्कृति भी गई और साथ में हमें क्या मिला, हमें उनकी जो थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी है उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट को इंडिकेट करता है। अगर आप अपनी जो थ्रेशोल्ड टेक्नोलॉजी है किसी देश के साथ साझा करते हैं तो ये कोई एक विजिट की बात नहीं रही, ये दशकों वाली बात रहेगी क्योंकि ये बहुत बड़ी संपत्ति होती है किसी भी देश की। और इससे नेचुरली जो आपने कहा है इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा जो हमारे नेबर्स हैं उन पर हमारा जरूर बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, वो समझेंगे भारत के पास भारी शक्तियां तो ही हैं, आर्थिक रूप से हम बढ़ रहे हैं लेकिन जो सामरिक शक्ति हमारी बढ़ेगी उसमें एक क्वांटम जंप आएगा। और जो दो चीजें की गई हैं जैसे जो एरो इंजन की बात हुई है वो हमारी एचलिस हील रही है उसकी वजह से। सही कह रहे हो, प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि हम पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बन जाएंगे, यानी हर मोर्चे पर भारत जो ऊंचाइयां हैं वो किस कदर छू रहा है ये पूरा विश्व आज देख रहा है। दोनों हमारे साथ बने रहे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में जिस डिनर का आयोजन किया गया था उसमें भारत के कई दिग्गज उद्योगपति भी शामिल हुए। इनमें सबसे बड़ा नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी, साथ ही आनंद महिंद्रा का भी रहा। डिनर में करीब 400 मेहमान शामिल हुए। इसके अलावा भारतीय मूल के दिग्गज सुंदर पिचाई, सत्या नाडेला और इंदिरा नूई के साथ साथ एप्पल के सीईओ टिम कुक भी मौजूद थे। भारतीय प्रतिनिधि मंडल की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा शामिल हुए, जबकि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी और भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गासिटी भी वहां पर मौजूद थे। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से वो दिग्गज हैं जो कि इस डिनर में शामिल हुए।
हिस्टोरिक विजिट फॉर बोथ आवर कंट्री। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में दिए गए स्टेट डिनर में टाइम्स ऑफ भारत के कंसल्टिंग एडिटर सुशांत सिन्हा भी मौजूद थे। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में आयोजित इस भव्य डिनर पर देखिए उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेट डिनर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चल रहा है, उसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तमाम मेहमान मौजूद हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, बिजनेस की दुनिया के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, नीता अंबानी, मुकेश अंबानी, सुंदर पिचाई की अगर बात करें, टिम कुक को हमने देखा वो यहाँ पर मौजूद है, आनंद महिंद्रा को बुलाया गया है। और अगर इस तस्वीर को आप देख रहे हैं जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत जो सजावट है वो नजर आती है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से इस पूरे हिस्से को सजाया गया है। अगर आप देखें ऊपर जो है शानदार हरे रंग की का आप कह लीजिए झूमर घुमा कुछ लगाया गया है, लेकिन ये कपड़े का है। और इत्तेफाक कह लीजिए कि इसमें सब में जो है वो कमल बना हुआ दिख रहा है। तो अब ये इत्तेफाक ही है, लेकिन कई लोगों को नागवार गुजरेगा कि यहाँ पर जो है वो इस तरह की तस्वीर निकल कर आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे जो टेबल है वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत फूल सजाए गए, हर टेबल को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। चेयर्स जो है वो लगाए गए हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सुनहरे चेयर हों और हर टेबल पर मेहमान बैठ चुके हैं। अब बस थोड़ी देर में डिनर शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जिस तरीके से हुआ है वो दुनिया देख रही है और दुनिया देखकर दंग है, हैरान है। बहुत ही शानदार तस्वीरें ये आती हुई जो हम आपको दिखा रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरह से यहाँ पर माहौल है वो अपने आप में ऐतिहासिक भी है। और इस तरह से स्टेट डिनर भारत के लोगों ने अमेरिका के राष्ट्रपति का ये स्टेट डिनर शायद ही इस तरह से देखा होगा, जो कि अपने आप में लाजवाब है। और एक एक चीज़ अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊँ अगर कि किस तरह से यहाँ पर खाने की व्यवस्था की गई, अभी थोड़ी देर में स्टेट डिनर शुरू होगा तो वो तस्वीर भी निकल कर आएगी। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के संयुक्त बयान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर एक पत्रकार के पूछे गए सवाल का करारा जवाब दिया। पश्चिमी भारत के लोकतंत्र और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कुछ लोग लगातार प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने पत्रकार के सवाल का जवाब दिया और कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the East Room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के और इसलिए हम चलते हैं। भारत में सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। मोहम्मद अमीन सर, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड विस्तार रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी प्रोपेगेंडा का जवाब दिया, आपने भी सुना। दरअसल ये वो लोग हैं जो प्रोपेगेंडा इसलिए चलाते हैं क्योंकि उनसे भारत का विकास, भारत का अंतर्राष्ट्रीय कद देखा नहीं जाता। विदेशी ताकतें भी साथ में है, हमारे देश के जो अपोजिशन के लीडर है उनके साथ में है। उसी का कारण है कि वो कभी इंग्लैंड में जाते हैं, कभी अमेरिका में जाते हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जबकि मैं इस बात को हमें सिरे से नकारता हूँ, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा है डे वन से, जब प्रधानमंत्री बने तो उनको लाल किले की प्राचीर से उन्होंने यही कहा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका साथ भी कहा। तो ये आप देखने को मिल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं आजाद हिंदुस्तान के अंदर, और यहाँ पर हर एक वर्ग को, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे वो माइनॉरिटी का हो, हर एक को पूरी छूट है, हर तरह की है। ये किसे बदनाम करने की कोशिश है, तो उन्होंने जब 70 साल तक अपना राज किया उन्होंने कुछ करके तो दिखाया नहीं, सिर्फ आपकी बातों में लगे रहे और डराते रहे। इसी तरह जहां तक सवाल है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री सबके हैं और सबके लिए है, इसका जिनको देखने को मिलता है सभी विश्व के हर स्तर पर जाते हैं और अपनी बात को रखते हैं। देखिए किसी बात गलत की गई ओबामा जी की तरफ से, ये हमारे देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, उसका उन्होंने सीधा सीधा सच्चा जवाब दे दिया उस प्रेस वाले को भी, और ये पूरे देश के हमारे जो अपोजिशन लीडर थे उनको भी। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, प्रधानमंत्री का जो दौरा था उसने कई बड़े संदेश दिए, रूस यूक्रेन युद्ध की हम बात करें उसको लेकर एक संदेश, इसके अलावा भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको लेकर के संदेश, लोकतंत्र को लेकर संदेश, और सबसे बड़ी बात ये जो जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी प्रोपेगेंडा को दिया है वो अब हमेशा सुनाई देती रहेगी उन तमाम लोगों को। बिल्कुल सही कह रही हैं, ये जवाब जो उन्होंने दिया है ये होलसम आंसर दिया है जिसको हम बोलते हैं। उन्होंने सारे पहलुओं को लेकर के एक एक चीज को विस्तार से बताने की कोशिश की है, और एक बात हम सब जानते हैं कि प्रजातंत्र में चूंकि सबको इजाजत होती है अपनी बात रखने की, तो विरोध तो रहता ही है, और उस विरोध में तरह तरह के प्रोपेगेंडा हाउसेस भी होते हैं, थॉट्स भी होते हैं, देयर लॉट ऑफ यू नो एनजीओस हु हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, हु हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, सो और बहुत सारे जो पड़ोसी देश हैं और उनके भी लोग वहां रहते हैं, वो मिलजुल करके एक ऐसा अट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये दो डेमोक्रेसीज जो पावरफुल डेमोक्रेसीज हैं ये आपस में पूरी तरह से मिल नहीं सके। लेकिन अगर आप देखिए जहां तक लोगों का संबंध है, जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था का संबंध है जिसे हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कहते हैं, और जब तो अब तो तकनीकी संबंध भी बहुत बढ़ रहा है, और ये हो रहा है कि वहां से जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो कुछ थोड़े बहुत किकबैक्स तो होंगे ही, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ये भी एक प्रजातंत्र की व्यवस्था का एक, अब मैं कहूंगा, हिस्सा ही है। लेकिन इस बात को पूरी तरह से प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, और उन्होंने बताया कि जहां तक इंडिया का सवाल है, यहाँ की गवर्नेंस का सवाल है, यहाँ के रूल्स लॉज कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है, हम लोकतंत्र को मानते नहीं, हम लोकतंत्र को जीते हैं, प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया। आप दोनों ही खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स ऑफ नवभारत से जुड़ने के लिए।